हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही छोटे रेंज में आज काम करते हुए नजर आया, उसका रीजन क्या था और दूसरा कल के दिन में भी क्या इसी तरह का मूवमेंट होगा या जिस तरह का न्यूज आ रहा है, इन्फ्लेशन डेटा नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, उसके चलते हुए क्या कल निफ्टी 18,400 के ऊपर और बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर निकलता हुआ नजर आ सकता है क्या। शुरुआत निफ्टी से करेंगे। दिन के दौरान हार्डली 80 पॉइंट्स के अंदर ही निफ्टी का पूरा मूवमेंट हुआ है और कल के मुकाबले लगभग 20 पॉइंट नीचे जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अगर आप कैंडल को देखेंगे तो कैंडल में अभी भी हायर हाई एंड हायर लो कंटिन्यू बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, या आप ऐसा बोले ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। अगर 50 मिनट्स के चार्ट पे नजर डालें सो निफ्टी ने एक भी क्लोजिंग आपको 18,380 के ऊपर नहीं दी हुई। आज शुरुआती 15 मिनट वहीं पे काम कर रहे थे, उसके बाद में नीचे एंड देन उस लेवल को अचीव करने की कोशिश हुई पर अचीव नहीं कर पाया है। सो क्या हो सकता है, एक जो बड़ा गैप क्रिएट किया है, ये गैप पे नजर डालिए, ये लगभग गैप आपका 18,250 से लेके 18,050 के आसपास का, ये जो 200 पॉइंट का गैप है, हो सकता है किसी न्यूज़ के चलते हुए इस गैप को एक बार फिल करने की कोशिश करे निफ्टी। लेकिन अगर ऐसा करता है तो बीच में मल्टीपल सपोर्ट है आपके पास में, एक आपको 18,280 के आसपास सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद में आपके पास सपोर्ट है 18,212 के आसपास में, 210 से 220 के बीच में, 18,180 पे बढ़िया सपोर्ट है, 18,130 के आसपास बढ़िया सपोर्ट मिलेगा और फाइनल सपोर्ट आपको 18,100 के आसपास मिलेगा। फाइनल सपोर्ट दैट डजेंट मीन कि ये इसके नीचे जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर इन लेबल्स के आसपास में मिलता है, अगर 18,130 से 18,100 के बीच में मिलता है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 17,950 का और लॉन्ग कर लीजिए। अगर आपको आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं और 18,212 के आसपास से मिलता है, 200 के आसपास से मिलता है, तो 18,150 का स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना चाहिए फॉर 18,300। क्या इन लेबल्स के आसपास में जाने के चांसेस हैं क्या, ये भी क्वेश्चन दिमाग में बनेगा। सो 18,380 के आसपास में हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसका एक रीज़न ये है कि अगर आप ऑप्शन चैन पे नज़र डालें तो 18,400 पे लगभग 1.28 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, 18,500 पे आपको लगभग 1.37 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 18,600 पे आपको लगभग 1.09 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी ये कॉल ऑप्शंस में ये सी तीनों बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, लेकिन अगर आप पुट साइड पे नजर डालेंगे तो पुट साइड में सिर्फ और सिर्फ 18,300 पे आपको हल्का फुल्का 1.12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और उसके नीचे जो बढ़िया सपोर्ट है वो सीधा 18,000 के आसपास है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के आसपास। सो कॉल राइटर्स अभी भी एक्टिव दिख रहे हैं और पुट राइटर्स इतने एक्टिव नहीं है। बढ़िया डेटा आने के बाद में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। सो इन केस अगर नीचे जाता है तो हो सकता है एक झटका लगने के साथ में निफ्टी आपको 18,100 का रेंज दिखाए और अगर वो रेंज आता है तो आप 17,950 का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ऊपर की तरफ में 18,500 डेफिनेटली आपके लिए निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो कैंडल बनाया हुआ है ये डेफिनेटली एक इनसाइड कैंडल है, कल का हाई और लो के बीच में ही ये कैंडल काम करता हुआ नजर आया है, लेकिन बढ़िया चीज ये है 42,000 डिफेंडेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो गैप क्रिएट किया था यहाँ पे भी उस गैप को मेंटेन कर रहे हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे से क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। गैप कहाँ से बना था, 41,600 से, अगर मैं इस कैंडल को पकड़ लूँ तो 41,900 मान के चलिए, यानी 41,600 से 41,900 का जो ये 300 पॉइंट्स का गैप है, ये हो सकता है एक बार फिल करने के लिए बैंक निफ्टी कोशिश करे, और अगर कोशिश करता है सो आपके लिए 41,500 पे बढ़िया सपोर्ट है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा 41,500 से 41,600 के रेंज में मिले तो एक बार बाय करना चाहिए। सही लेवल 41,700 है, पर सिंस गैप है तो नीचे आते समय एक बार गैप को फिल करने की कोशिश हो सकती है। इनिशिएट करिए यहाँ पे लॉन्ग और क्लोजिंग अगर आपको मिल जाए 41,280 के नीचे की तो ये आपका ये 41,000 है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 41,280। ऊपर की तरफ में रिवर्सल में आपको एक बार फिर से 42,000 और 42,300 के रेंज एक बार देखने को मिल सकती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखना चाहिए बैंक निफ्टी के ऊपर में आज, ये एक लगभग
ट्रायंगल बनाने की कोशिश हुई है यहाँ पे, नज़र डालिए आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, और ये देखिए ऑलमोस्ट अ ट्रायंगल, सो डेफिनेटली वाइड है अभी भी, थोड़ा बड़ा है, तो ये ट्रायंगल पे आपको नज़र रखना है। 42,000 का सपोर्ट है ट्रायंगल में अभी भी, ये ट्रायंगल के जिस साइड भी मोस्टली अगर ऐसा ट्रायंगल बनता है तो प्राइजेस नीचे आते हैं, नीचे की तरफ आ सकते हैं, चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली आपका बेस जो है, बेस को कंटिन्यूसली टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ में सप्लाई देखने को मिल रही है, तो चांसेस होता है कि एक बार नीचे की तरफ आए, और नीचे की तरफ अगर आता है, ये लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये लॉन्ग करने का सही टाइम होगा। दूसरा एक रीज़न इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, अगर ऑप्शन चेन पे आप नज़र डालते हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर में 42,000 के कॉल ऑप्शन पे लगभग 1,04,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, और 42,000 के पुट ऑप्शन पे, पुट पे आपको लगभग 1.30 लाख आप बोल सकते हैं, 1.30 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। यानी यहाँ पे एकदम बराबरी वाला माहौल है, जिस साइड भी जाएगा उस साइड आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब तक आप 42,000 के ऊपर काम कर रहे हैं तब तक आप पॉजिटिव हैं, कोई इशू नहीं है, आप अच्छा काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे ही आप 42,000 के नीचे सेटल होंगे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, अगर आप 30 मिनट के लिए भी यहाँ पे सेटल होते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल इमीडिएटली 41,700 41,600 देखने को मिल सकता है। इन केस अगर आप प्लान कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में मुझे 2-3 लॉट लेना है, तो मैं बोलूँगा 41,700 पे एक लॉट की बाइंग होनी चाहिए, 41,600 पे एक लॉट की बाई होनी चाहिए, और 41,500 पे अगर तीसरा लॉट ले रहे हैं तो ये लॉट का आपका बाई होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 41,450 के आसपास में, अगर कंजर्वेटिव और दूर की सोच रखते हैं तो 41,280 के नीचे क्लोज होने पे निकल जाइए मार्केट से। बैंक निफ्टी में ये व्यू बनता हुआ कल के लिए नजर आ रहा है। अब सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है बैंक निफ्टी को, HDFC बैंक पे नजर डालिए, बढ़िया ब्रेकआउट देते हुए नजर आया हुआ था एक दिन, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर रहा, ऊपर के लेवल्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। अगर न्यूज़ का इंपैक्ट आया तो आपको ऊपर की तरफ में 1680 के आसपास के लेवल्स ये दिखा सकता है, तो HDFC बैंक से एक सहारा मिलेगा। दूसरा एक्सिस बैंक से एक सहारा मिलेगा, क्योंकि जो फॉल होना था वो फॉल ऑलमोस्ट हो चुका है, और ये जो रेंज है 838 से लेके 829, इस रेंज के अंदर में एक बार आते हुए नज़र आया, वहाँ से थोड़ी बहुत आपको गेन देखने को, या ऐसे बोले थोड़ा बहुत यहाँ से वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम पे नज़र डालिए, वॉल्यूम ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक में भी कल वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला था। रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, ICICI बैंक की बात कर लीजिए, ICICI बैंक के अंदर में तो आप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और ये प्रॉफिट बुकिंग आपको वॉल्यूम के साथ में देखने को मिल रहा है। सो नीचे की तरफ 884 पे नज़र रखिएगा, अगर ये टूटता है तो बैंक निफ्टी के अंदर में प्रेशर क्रिएट करेगा। सेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे नतीजे के दम पे इसने अच्छी ओपनिंग दी, लेकिन उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। एनी हाउ जो गैप था उस गैप को फिल कर लिया है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा लगभग 600 के आसपास का, मैं फिर ये नीचे आई है ऑलरेडी, सो ये लगभग 585 के आसपास लेवल है। लेट मी चेक दिस लेवल, यस 585 के आसपास का लेवल है, 585 पे नज़र रखिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जितना भी फॉल हो रहा है ना, इस फॉल के अंदर में इतना वॉल्यूम नहीं है, सो कहीं ना कहीं सप्लाई आ रही है, पर चांसेस है कि एक बार शायद यहाँ से सपोर्ट मिले। अगर 585 के नीचे जाता है तो तकलीफ की बात होगी, 570 के लेवल्स देखने को स्टेट बैंक में मिल सकते हैं। मेरी पोजीशन मैंने मेरे टेलीग्राम में अपडेट किया था, 18,650 आज मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। रीज़न क्या था, थोड़ा सा नीचे गया था मार्केट, और मेरे ख्याल से ये सही था, सो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, तो मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है फिलहाल के टाइम पे, सो शॉर्ट रहना समझदारी नहीं है। सो मैंने 18,250 का भी आज के दिन एक शॉर्ट किया, दो लॉट का, 18,200 में पास तीन लॉट है, और ये 17,950 से मैंने उसे हेज करके रखा हुआ। फिलहाल नोशनल प्रॉफिट 2,862 के आसपास में फिलहाल दिख रहा है। इन केस अगर आप हमने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आई होप आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आने वाला वीक आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।